वेलकम टू सेट लैब। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेट लैब DGPS में अपना डाटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो जॉब बनाया है आपको उसको चेक करना कि आपका जो जॉब है वो सिलेक्ट है कि नहीं। तो आप प्रोजेक्ट इन्फो में आएंगे। अभी अगर आपने सपोज डेट काम किया है अभी नाम के जॉब में, तो आप यहाँ से करंट जॉब में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपने 2-3 दिन पहले का आपको डाटा लेना है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी को भी ओपन कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे इस प्रकार का खुल जाएगा, तो आपका इसका डाटा ट्रांसफ़र होगा। अभी यहाँ पे मैं अभी का खोलता हूँ, तो इसको मैं बताता हूँ कि आप CSV फाइल, DXF फाइल और KML फाइल कैसे लेंगे। तो यहाँ पर आप डाटा ट्रांसफ़र पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको नेम पूछेगा, यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ, और यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन पे क्लिक करना है CSV। अगर आपको CSV लेना है तो अभी मैंने इतनी चीज़ें इधर ली हुई है, अगर आपको ऐसा पूरा हटाना है तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले ID रखनी है अपनी, नेम रखना है, फिर उसके बाद ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड या आपको कोड रखना है, तो मैं बताता हूँ आप कैसे रख पाएंगे। तो अगर आपको सबसे पहले ID रखनी तो ID पे क्लिक करिए, नेम को पहले रखना है तो नेम पे क्लिक करिए, जिसको भी आपको इसमें से पहले रखना है उस पर क्लिक करके आपका जो एक्सेल सीट खुलेगा उसमें आगे रहेगा। अभी अगर आपको ईस्टिंग पहले रखना है ईस्टिंग, फिर नॉर्थिंग, फिर जेड, अगर आपको BLH लेना है तो BLH पे भी क्लिक करके आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोड लेना है तो आपको DEST पे क्लिक करना रहेगा। और अगर आपको यहाँ पर स्टेशन अगर वगैरह आपने छोड़ा है, फिक्स किया है, तो आप यहाँ से स्टेशन को ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इमेज चाहिए, अगर आपने सर्वे करते टाइम अगर आपने इमेज क्लिक किया तो आप यहाँ से इमेज भी ले सकते हैं। अगर आपको टारगेट हाइट चाहिए तो यहीं से आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें टारगेट हाइट कहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे टारगेट हाइट है तो टारगेट हाइट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जो हमारा डाटा है वो सक्सेसफुल हो चुका है, CSV फाइल। तो ये अब जाता कहाँ पे है ये हमको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे स्टोरेज लिखा है इम्यूलेटेड, सेट लैब के आउट में जाएगा। अगर आपको सेट लैब के आउट में फोल्डर वो नहीं रखना है तो आपको यहाँ पे 2 डॉट पे क्लिक करना है इस वाले फाइल पर। यहाँ पर आप किसी भी जगह पर रख सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर लॉग पे क्लिक करता हूँ, अभी मुझे अपोजिट वाले फोल्डर में रखना है, यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा तो ये हमको वहीं पर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ओके करना रहेगा। ओके करने के बाद यहाँ पे डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा कहाँ पे गया है, हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सेट लैब के लॉग के अपोजिट वाले में गया है। अभी मैं यहाँ से 20 से कट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि डाटा कहाँ पर है। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेट लैब वाले सेक्शन में आना है। इसके बाद आपको आउट वाले फोल्डर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट वाले फोल्डर में हमारा जो डाटा है CSV में आ चुका है। और अभी मैंने आपको दूसरी जगह पे भी करके दिखाया था, तो अभी सेट लैब में जाते हैं। सेट लैब के बाद यहाँ लॉग वाले फोल्डर में आइए और अपोजिट, तो यहाँ भी आप CSV का जो डाटा है वो देख सकते हैं कि जो डाटा मैंने ट्रांसफ़र किया वो आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं आपको आगे बताता हूँ, अगर आपको DXF फाइल लेना है तो आप DXF पेज क्लिक करिए और यहाँ पे नेम दे दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये आपके जो डाटा है सेट लैब के लॉग के अपोजिट वाले फोल्डर में जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सेट लैब के आउट वाले फोल्डर में चाहिए, तो आपको यहाँ पर 2 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आउट वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे तो आपका DXF जो है वो सेट लैब के आउट वाले फोल्डर में जाएगा। अगर आपको KML फाइल या एक्सेल फाइल CSV की लेनी है तो भी ऐसे ही कर सकते हैं। KML फाइल अगर आपको लेना है तो यहाँ पे KML क्लिक करिए, ओके करिए, तो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो डाटा है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी आपके फाइल मैनेजर में ये डाटा आ गया है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। आप डाटा केबल लगा के इसमें आप अपना डाटा आसानी से ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि डाटा को हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे।